नमस्कार, मैं सचिन सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सत्यकेतन समाचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जी हां, सही सुना आपने, कोरोना वायरस को लेकर आज रात 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि 21 दिन के लिए भारत लॉकडाउन होने जा रहा है, जो कि आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमें सोशल डिस्टेंस बनाना है, यानी लोगों से दूर रहना है। और नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस धैर्य और अनुशासन की घड़ी में हमें एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना है। और नरेंद्र मोदी का कहना है कि मीडिया कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और देश के जवान फौजियों के लिए और डॉक्टर्स के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जो इस मुसीबत की घड़ी में, कठिन हालात में एकजुट होकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा, बिना डॉक्टर्स की सलाह के दवाई ना लें और अफवाह से बचें। नरेंद्र मोदी ने हर एक भारतीय से गुजारिश की है कि जो कदम उठाए गए हैं जनता की जिंदगी के लिए, उनका सभी को पालन करना है, क्योंकि अगर हम पालन करेंगे तो ही हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं।